हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ हाउस क्लीनिंग ब्लॉग शेयर। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने सोफ़े की क्लीनिंग, और सोफ़े को अच्छे से झाड़ के कवर उनको अच्छे से बिछा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, जोशी जी सामने से सोए हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, कोई भी अच्छे से उठा नहीं है। जोशी जी अंदर से आए उठ के और दोबारा से यहाँ पर सोफ़े पर सो गए। थोड़ी देर इनने यहाँ पर न्यूज़ सुनी और उसके बाद सो गए। तो यहाँ पे मैं लाइट जला रही थी, फिर लगा कि यहाँ पे जो जी सोए हैं बंद कर दूँ, और उसके बाद फिर मैं इधर को आ गई बंद करके। और फिर मैंने बाहर यहाँ पर पेड़ है मेरे, तुलसी का गमला है और एक फूल का पेड़ है बहुत सुंदर, तो वहाँ पर मैं पानी डालने के लिए गई थी। पानी डाल के यहाँ पर मैं आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए आप, जहाँ तहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ना, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो गिलासों को ऐसे ही रख देते हैं। तो वही मैं यहाँ पर सब क्लोज कर रही हूँ, एक एक उठा के लाते रह रही हूँ और रखते रह रही हूँ। और यहाँ पर पर्दे फैले हुए थे, तो पहले इनको मैं सही से बांध दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। और अंदर से मैंने झाड़ू पहले लगा दिया है अंदर के कमरों में, वो मैं झाड़ू लगा के लेके आ गई थी। यहाँ भी मेरा एक बार लग चुका है पहले, ये दूसरी बार का झाड़ू है। और यहाँ पर देखिए आप, थोड़ी थोड़ी कूड़ा निकल रहा है, ज़्यादा नहीं निकल रहा, क्योंकि मैंने एक बार पहले लगा दिया था। तो फिर मैंने कहा दोबारा से मेरे को थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को झाड़ू लगाते हुए। तो यहाँ पर से किचन में मैंने लगा दिया है और अब मैं लगा रही हूँ बाहर के रूम में। तो यहाँ पर अंधेरा काफ़ी हो रहा था, अच्छे से मैंने कहा झाड़ू लग जाएगा। सुबह तो मैंने ऐसे ही मोटा मोटा मार दिया था, तो अभी थोड़ा बहुत इसको अच्छे से झाड़ ले रही हूँ, तो सोफे के नीचे से। और दोबारा से मुझे लाइट जलानी पड़ी, क्योंकि अंधेरा सा दिख रहा है। और इधर बाहर से थोड़ा बहुत धूप भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अंधेरा हो रहा, जल्दी धूप आ जाती है आजकल। तो थोड़ा बाहर से काफ़ी रोशनी जैसी दिख रही है, हल्की हल्की धूप आती है ना, तो एकदम से मेरे घर के सामने से पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर धूप भी आ चुकी है। और आजकल क्या है ना कि बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और स्कूल बंद हो गए हैं, तो इस वजह से उठना जो है थोड़ा लेट ही हो रहा है। ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा लेट में उठते हैं, मैं तो फिर भी उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह काम होता है सभी कुछ, तो जल्दी उठना पड़ता है। अगर जल्दी नहीं उठो तो काम भी लेट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने दुपट्टा कस लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगाना स्टार्ट कर दे रही हूँ। पोछा लगाने के लिए मैं सबसे पहले दहली के फर्स्ट से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पोछा शुरू से ही लगाना सही रहता है, दहली से ही अंदर को लगाते हुए। ये उल्टा भी माना जाता है, और अंदर से पोछा लगा लाएंगे तो वो उसे हम उल्टा मानते हैं, उल्टा समझते हैं। तो हम दहली से स्टार्ट करते हैं, पोछा लगाते हुए अंदर को लाते हैं। और यहाँ पर कभी दहली पूजा भी कर देती हूँ मैं, कभी भूल जाती हूँ, आज तो मैं भूल ही गई, लेकिन वहीं पर फूल हैं, तो पोछा लगाते हुए दहली में फूल डाल देती हूँ, तो उसको दहली पूजा कहते हैं। तो वो भी मैं करती हूँ, लेकिन आज मैं ब्लॉग के चक्कर में भूल गई हूँ। और अभी देखिए यहाँ पे मैं अपने अंदर वाले ये वाले रूम में पोछा लगा रही हूँ। बच्चे क्या करते हैं ना, पोछा लगाते हैं तो वो वाइपर से ऐसे से मार देते हैं मोटा मोटा, उनका पोछा लगाया हुआ मुझे पसंद नहीं आता है। वो जब एक बार पोछा लगाते हैं तो दोबारा मुझे लगाना ही पड़ता है। और मैं जब पोछा लगाती हूँ तो मैं ऐसे घुटनों से ऐसे मतलब ऐसे लेट लेट के पोछा लगाती हूँ, और अच्छे से उन्हें कोने साफ़ कर लेती हूँ, जहाँ मेरे से हाथ नहीं पहुँचते तो वहाँ मैं वाइपर से निकाल लेती हूँ गंदगी। तो ये मैं वाइपर लेके आ गई हूँ देखिए, और इसमें अब मैं पोछे को लपेट के यहाँ पर ऐसे पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए जोशी जी को कितनी नींद आई है, बिल्कुल घने नींद में सोए हुए हैं।
जैसे कि ऐसा लग रहा है कि रात को सोए नहीं होंगे, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा नींद है, बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ा बहुत थकान भी हो रखी है सफ़र की, तो थोड़ा थकान की वजह से भी इनको काफ़ी नींद आ रही है। अंदर सोए थे, उसके बाद बाहर आए, फिर टीवी देखी, फिर उसके बाद इनको नींद आ गई। इनको पता ही नहीं है कि वीडियो भी बन रही है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अभी सब सोए हैं, और इधर मेरी निहारिका बैठी है, लैपटॉप में लगी है, और मेरे को देखो कितनी आंखें दिखा रही है बड़ी बड़ी, क्योंकि मैं इसको वीडियो बना रही हूँ उसकी ना, इसीलिए आंखें दिखा रही है। तो यहाँ निहारिका बैठी है, और यहाँ मेरा काना भी सोया है, और खुशी भी है यहीं इस रूम में। मतलब सारे रूम जो हैं वो अभी सब ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि सब बच्चे अभी अच्छे से उठे नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने शिखा को उठा दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर बिस्तर की तह लगा रही हूँ, चादरों की, जो चादर हम रात को ओढ़ते हैं। ओढ़ते नहीं हैं बच्चे, लेकिन फिर भी निकाल के रख ही देते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने तह लगा दी है, और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी अलमीरा में। और साथ ही सारी चादरें जो है मैं यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि निकालने के लिए सही रहती हैं। तो सारी चादरें तह लगा के यहाँ पर रख देती हूँ। तो अभी और भी चादरें हैं तह लगानी, वो भी यहीं पर रखूँगी। और यहाँ बच्चों ने अपनी ज्वेलरी रखी हुई है, ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं इसमें बहुत सारी ज्वेलरी है। और ये चादरें जो है मैंने यहाँ पर लगा दी हैं तह करके। और शिखा का बिस्तर यहाँ पर ठीक कर रही हूँ, बेड जो है उसका ठीक कर रही हूँ। तो वो मेरे से बोल रही थी कि मम्मी आप रहने दो, मैं कर लूँगी बाद में, मैं कर दूँगी। और क्या कहते हैं, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, तो ऐसा लगता है कि अगर बिस्तरे सही से तय लगाए नहीं हो ना, तो बेड अगर सही नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है। लगता ही नहीं है कि हमने झाड़ू पोछा कर रखा है, क्लीनिंग घर में हो गई है, ऐसा लगता ही नहीं है। अगर आप बेड को सही से झाड़ दो, जो बेडशीट बिछाई है उनको अच्छे से लगा दो, और जो हमने रात को ओढ़ रखे हैं चादर वगैरह उनको तय लगा के रख दो, तो ऐसा लगता है कि घर में सारा काम हो गया है। तो वही मैं यहाँ पर कर रही थी, और निहारिका भी दोबारा से यहाँ पर आ गई, खाना भी यहाँ पर आ गया। तो इनसे मैं बोली थी उठो। अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, क्योंकि दिन का टाइम हो गया है, खाना बनाने का टाइम हो गया। और जोशी जी भी उठ चुके थे नहा धो के, वो किचन में आ गए हैं, उनको खाना बनाने का भी शौक़ है। और फिर वो लेके आए थे अपने लिए चिकन, तो मैंने बोला कि आप खुद ही बना लो अपने पसंद का चिकन, और मुझे तो नहीं खाना है, मैं अपने लिए तोरी की सब्ज़ी बनाती हूँ, और बच्चे और आप चिकन खा लोगे और मैं तोरी की सब्ज़ी खाऊंगी। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी बनाई, और जोशी जी ने चिकन बनाया। उनको शौक़ भी है खाने का भी और करने का भी, और मुझे भी हेल्प मिल जाती है। और लेकिन फिर भी मुझे किचन में आना ही पड़ता है, क्योंकि जोशी जी किचन में होते हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अंदर रहूँ, उनका मन नहीं लगता, तो वो मेरे को बुला ही लेते हैं। और यहाँ पर मैं वही उन्हीं के साथ यहाँ पर लगी हूँ, तो साथ साथ ही हम लोग यहाँ पर किचन में काम कर रहे हैं। वो चाहे कितना ही खाना बना ले, पूरा खाना बना ले, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है अकेले, उनका मन नहीं लगता किचन में। तो यहाँ पर मैं उनकी, वो मेरी हेल्प में लगे थे और मैं उनकी हेल्प में लगी थी। तो यहाँ पर मैं चटनी की तैयारी में लगी हूँ। जो पुदीना होता है, पुदीना और भांग, हरा धनिया, नींबू, ये सब मिला के मैं चटनी बना रही हूँ। यहाँ पर मिक्सी जार में मैंने डाल दिया है पुदीना और धनिया, क्योंकि जोशी जी पुदीना लेके आए थे, तो फिर मैंने कहा यार ये पुदीना ख़राब हो जाएगा और सूख भी जाता है, और फिर हम कल हमने कहीं जाना है, इस वजह से जो है चटनी बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो जोशी जी बोल रहे थे क्या कहते हैं चिकन है तो चिकन के साथ क्या चटनी अच्छी लगेगी। मैंने कहा नहीं, बना के रख देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, और ख़राब नहीं होती है, तो मैं खा लूँगी थोड़ी बहुत और उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो जोशी जी चिकन लेके आए थे, वही पीस जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, तो उन्हीं को बोले थे कि मेरे साथ कट करने में लग जा। तो यहाँ पर हम वही कर रहे थे, चिकन के पीस छोटे छोटे करने में लगे हुए हैं दोनों जने।
दोस्तों यहीं पर लगे हुए हैं हम लोग खाने की तैयारी करने में, जोशी जी और मैं, और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।